नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन और मैं कर रहा हूँ पैलेस ऑन बाइक जर्नी, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ 7 पैलेस जो कि पैलेस ऑन व्हील ट्रेन कवर करती है अपने 7 दिनों में, जिसके लिए वो चार्ज करती है 15 लाख रुपए। तो अभी मैं पहुँचा अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि आगरा, और मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ आगरा फोर्ट। तो यहाँ पे ट्राईपॉड वाईपॉड ले जाना अलाउड नहीं है, बस आपको फ़ोन का कैमरा या कैमरा ले जा सकते हो, कोई ट्राईपॉड नहीं, कोई खाने का सामान नहीं। तो फिर हमने एक गाइड किया जो कि हमें आगरा फोर्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे, उसकी हिस्ट्री, कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से राजा गए, सारी चीज़ें, और उसके लिए हमने उनको पे किया टोटल 300 रुपीज़। वैसे तो आगरा किले में बहुत सारे राजाओं ने राज किया, लेकिन इस किले को बनाने का सबसे ज़्यादा योगदान मुगल बादशाह अकबर को जाता है। इस किले को बनाने में अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको लाल किला भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको इस किले में सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई कई इमारतें भी दिख जाएंगी जो कि उनके पोते शाहजहां ने बनवाई है। तो इस किले का निर्माण कार्य 1565 में अकबर के शासन के दौरान शुरू हुआ, और इस किले को पूरा बनने में 95 साल लगे जब शाहजहां यहाँ का शासन था, जिसने इस किले को आखिरी रूप दिया। तो फर्स्ट गेट के साइड, मतलब ये वाला गेट, पहला गेट पे जहाँ आपका सिक्योरिटी चेक हुआ, फर्स्ट गेट नेम अमर सिंह, यहाँ से बाहर निकल के जो गेट है। ये फर्स्ट गेट का नाम अमर सिंह गेट है, सेकंड गेट है नौबत खाना, थर्ड गेट है अकबरी गेट। तो गेट है भैया सीधा नहीं है, जिग जैग टाइप बना है, जिससे कोई भी डायरेक्ट अंदर ना आए। सोल्जर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और ये डिजाइन दे रहा है राजस्थानी पैटर्न है, और इस डिजाइन का नाम इस्लामिक पैटर्न है। ये गेट इस नेम अकबरी दरवाजा था, जब किंग आते थे वहाँ दासियाँ खड़ी होकर फूल गिराकर उनका अभिनंदन करते थे। ये व्हाइट वाला, ये हाँ, ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये मुजाइन वर्क है ना भैया। सर कौन सा वर्क है? डिजाइन का वर्क है, डिजाइन वर्क है ये। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है ना, तो बिल्ला लिखा है, गॉड पे भरोसा। साइडों से गर्म तेल गर्म पानी दुश्मन को जलाने के लिए। ये जगह ना सर घोड़े का सर अस्तबल होता था, अस्तबल होता था। जब राजा कहीं जाता है ना भैया, तो घोड़े के सवार से वो यहाँ से बाहर जाने का पॉइंट, जैसे हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, ऐसे राजा का घोड़ा यहाँ रहता है अवेलेबल। ये घोड़े का मतलब पैर में लोहे के नाल होते हैं भैया, उसकी आवाज़ से अंदर मालूम हो जाता है कि समय क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी दीवार ऊंची है, दोनों साइड से आवाज़ टकरा। ये जहांगीरी पैलेस है। अच्छा, जहांगीर अकबर के जो सन थे उनके स्मॉल नेम सलीम थे, और सलीम के बेटे शाहजहां थे, शाहजहां के बेटे और, ये चार पीढ़ियों का किला है 1x1। नहाने का है सर, बादिंग का है सर, ये महल में था जहांगीर। मान सिंह जयपुर किंग, उन्होंने गोल्ड डायन करके इसको प्रेजेंट किया था, मान सिंह ने बाहर में भेंट में किया, सिंगल पत्थर है सर, कोई भी जहांगीर का स्नान कुंड है। इसके 4 फीट डीप 5 फीट आउटर है, 1 पीस का बना हुआ है, कोई भी ज्वाइन नहीं। जब जहांगीर छोटे थे तो उनको दासियां गुलाब पानी से स्नान करते थे। इसकी जो कार्बिंग थी इस दैट टाइम इज अ गोल्ड प्लेटेड था, सारा गोल्ड बाहर से सारा प्लेटेड था, गोल्ड कार्बिंग थी। अच्छा, आर्चेस होते हैं, ये मुस्लिम पैटर्न है और लोटस हिंदू पैटर्न है। तो अकबर ने एक रीजन चलाया था बीन इलाई। अच्छा, ये जो लोटस हिंदू, हाँ, और स्टार है ग्रीस में होते, आर्चेस होते हैं मुस्लिम पैटर्न। तो अकबर ने एक धर्म चलाया था बीन ए इलाही, धर्म मजहब चलाया था, इसको कुछ लोगों ने माना था, इसी धर्म को फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया। ये जगह सर डांसिंग हॉल है, रंग महल है, यहाँ उत्सव मनाते थे। ये जितनी भी आप विंडो देख रहे हैं, विंडो में क्वीन बैठती थी, साइडों में उनके गेस्ट होते थे, महाराजा ऊपर बैठते थे। तो ये छत पे महाराजा अम्ब्रेला में, विंडो में क्वीन, साइडों में गेस्ट होते थे। और ये सर है ना जहांगीर का स्लीपिंग रूम है, डोर नहीं थे, पर्दा होता था, इन जालियों में से ना कपड़े के पंखे से दासियाँ हवा करती, पवन उस साइड से। हाँ, गैलरी है ना सर, यू टाइप में गैलरी है, इसमें घुंघरू से राजा को जगाया करते पायल से। ये मंदिर का पैटर्न जो है सर, ये साउथ स्टाइल है, साउथ मंदिरों में होता है, अलवारियों में दिए जलाए, भगवान का सिंहासन होता था। तो मंदिर में सर मूर्ति नहीं, स्थान है, और ये सब पैटर्न ये जो है राजस्थानी पैटर्न स्टाइल है, जिसको हम रंग महल के रंग माने उत्सव मनाया था। ये पीछे का साइड है ना सर,
ये किचन होता था, पीछे हॉल के साइड में किचन था, यहाँ खाना बनने के बाद तैयार होकर सर यहाँ पर आता था। ये नेचुरल एसी है, एयर कंडीशन, गेस्ट रूम है, कितनी देर रूम है सर। पानी ऊपर कैसे डालते थे, लेदर बैग होता है भैया मसल, इससे दीवार के अंदर पानी गिरता था, इसके अंदर जो चूना होता है वो पानी का एडजस्ट करते थे, इससे ये दीवार ठंडी रहती। तो ये दीवार है जो खोखली है और इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये शाहजहाँ का एरिया स्टार्ट हो गया। ये सर वाइट मार्बल, वाइट कान जितना भी होता है। ओके, ये पालकी जैसा स्टाइल है, राजाओं ने मुगलों ने अपनी बेटियों का विवाह नहीं किया था, राज घराने में किया था। रोशन आरा, ये पर्सियन नेम है सर, पालकी का एक पैटर्न होता है। रोशन आरा किसका नाम है? शाहजहाँ की बेटी का नाम है। किले के साइड है सर, वाटर मूट है, किले की खाई होती है, किले में डायरेक्ट कोई ऑफर ना आए। सेकंड में सर सैनिक खड़े होते थे और मेन फ्रंट पे टाइगर्स थे, जिससे डायरेक्ट कोई आए नहीं अंदर, वाटर मूट है। तो अब हम जा रहे हैं खास महल, जो कि शाहजहाँ और मुमताज का निजी कमरा था। तो इस कमरे की खूबसूरती आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ के दीवारों पे असली सोने से रंग किया गया था, जो कि वक्त के साथ निकल गया, और ऊपर जो चार कड़े दिए गए हैं उन कड़ों पे पर्दों के पंखे टांगे गए थे ताकि राजा और रानी यहाँ पे आराम कर सके। तो खास महल से बाहर निकलते आपको दिख जाएगा अंगूरी बाग, जो कि शाहजहाँ ने लगवाया था अंगूर की खेती के लिए। बाग की दूसरे साइड में जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, उस कमरे में इस महल में काम करने वाले नौकरानियाँ रहा करती थी, और ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे गुलाब पानी भरा जाता था खास महल को सुगंधित रखने के लिए। तो खास महल के दाहिने साइड में है शाहजहाँ की दूसरी बेटी का कमरा जहानारा, तो बाई साइड में है शाहजहाँ के पहले बेटी का कमरा रोशनारा, जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो जहानारा का कमरा भी पालकी के बनावट जैसा था जैसा कि रोशनारा का कमरा था। तो जहाँ नारा के कमरे से आगे बढ़ते ही दिखेगा मुसम्मन बुर्ज, जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को सत्ता पाने के लालच में 8 साल तक नज़रबंद रखा था। पत्थर होते थे, ये सब लग गए, इसको लोकल लोगों ने सर जैन को निकाल दिया, ये जिसमें ओरिजिनल। तो मुसम्मन बुर्ज के ऊपर ही दिख जाएगा मीना मस्जिद, जहाँ पर शाहजहाँ अपने 8 वर्षों के नज़रबंद के दौरान नमाज पढ़ा करते थे, जो अभी आम लोगों के लिए बंद है। तो मीना मस्जिद से आगे बढ़ते ही आ जाएगा दीवाने खास, जो कि है खास लोग होते हैं तो खास मीटिंग के लिए राज्यसभा से गर्मी बरसात के समय अंदर सदी में बाहर, तो राजा का सीधे सर मंत्री का सीधे हैं, राजा खास लोग हैं। ये मंत्री का है सिंहासन जो आप दे रहे हैं, तो राजा का है ये, राजा इस पर बैठ के सही जजमेंट करते थे। ये सिंहासन का नाम ओनेक्स पत्र है, कसौटी है। क्या नाम है? ओनेक्स राजा का सत्य पे बैठ के खरा उतरता। इसको आउट कंट्री बेल्जियम से मंगाया था, इसको इलाहाबाद में भी तराशा गया लेकिन डैमेज है, क्योंकि अंग्रेजों ने कैनन छोड़ा था 1803 में कैनन। ये सिंहासन पे भी है, यहाँ से बाउंस होल देखा, खड्डा कैनन्स का है, ये होल है ना, होल खड्डा है कैनन्स का, ये छोटा सा। यस। तो दीवाने खास के बगल में है मीना बाजार। मीना बाजार क्यों लगता था ये देखते हैं। राजाओं के घर में जो औरतें रहती थी, घर से बाहर नहीं जाती, बाहर की औरतें आकर यहाँ स्टॉल लगाती थी, इसका नाम मीना बाजार। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये राजा का बैठने का चैम्बर था, उधर मुमताज है, अपोजिट बैठ के शाहजहाँ था, फिशिंग करते थे। फिशिंग करते थे, तालाब को रिफिल कर दिया गया था यहाँ। अच्छा, यहाँ तालाब था मुगल के समय, यहाँ ग्रीन एक तालाब, ये ग्रीन जो सीनरी देख रहे हैं ना, ये मुगल के समय पॉइंट था, शाहजहाँ मुमताज बैठ के फिशिंग करते कॉम्पिटिशन। तो मीना बाजार से आगे बढ़ते ही जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, यहाँ पे राजा के मुनीम जी बैठते थे, जो कि राजा के अधीन जितने भी राज्य होते थे उनका लेखा जोखा देखते थे। तो अब हम आ चुके हैं इस किले के आखिरी जगह पर, जो कि है दीवाने अम, जहाँ पर राजा अपने सिंहासन पर बैठकर आम लोगों की समस्या सुनते थे और उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। दीवाने आम, आम माने आम, राज्यसभा था ये, लोकसभा, राजा ऊपर बैठते थे साइड में, बीच में राजा था, किंग साइड में रानी, ये लोकल कोर्ट है, यहाँ सभी लोग आकर राजा से मिलने आते थे। यहाँ से आम लोग आते थे भैया एंट्री के लिए, वहाँ से भी आप लोग आते, इससे कोई भी पिलर बीच में अड़ता नहीं, इससे दूर खड़े होने पर भी आप राजा को देख सकते हैं।
तो इस किले का सिर्फ और सिर्फ 30% हिस्सा ही आम लोगों के लिए खुला है, बाकी का 70% हिस्सा आर्मी के अंडर में आता है जहाँ पर आम लोगों को जाना मना है। आर्मी है 2 किलोमीटर एरिया, पहले मुगल आर्मी, फिर ब्रिटिश आर्मी, अब इंडियन आर्मी। अब राजा राज तो है नहीं सर, इसे छावनी देते हैं। कहाँ? इधर दीवार के पीछे। फाइनली अपना लाल किला का टूर यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी हम लाल किला से बाहर आ चुके हैं और अभी टाइम भी हो रहा है 1 घंटे में, मतलब मैंने पूरा लाल किला आराम से कवर कर लिया। अभी निकलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और यहाँ से आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ कहना चाहोगे तुम? वीडियो लाइक करने के लिए बोल दो, मैं तुझे लाइक करने का बोल रहा हूँ, ये बोल दो कि हाँ वीडियो लाइक कर देना। बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा